नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप एक मोबाइल फ़ोन से एक से ज़्यादा ईमेल आईडी या फिर एक से ज़्यादा अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। एक ही मोबाइल फ़ोन और एक ही फ़ोन नंबर से आपको वेरिफिकेशन भी कर लेना है। तो चलिए गाइस स्क्रीन पे और आपको दिखा देता हूँ फुल प्रोसेस के साथ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए काम की बात पे आते हैं गाइस, और सबसे पहले अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन की स्क्रीन पे ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, जहाँ भी आपका जीमेल हो उस जीमेल पे जाने का है। तो मैं अभी ऐप्स पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये जीमेल का मेरा आइकॉन है। जीमेल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइस देख सकते हैं जो राइट साइड का जो फाइल का प्रोफाइल का आइकॉन है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से गाइस देख सकते हैं मैंने बहुत सारा ईमेल आईडी पहले से बना के रखा है, जो कि अनलिमिटेड ईमेल आईडी है एक ही मोबाइल फ़ोन में। तो गाइस अभी टोटल मैं 5 ईमेल आईडी यूज करता हूँ। मैं आपको फुल नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा इसको हाइड कर दिया हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है इसके लिए। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूँ कितना ईमेल आईडी मैं एक मोबाइल फ़ोन में यूज करता हूँ। तो चलिए अभी हम एक नया ईमेल आईडी बनाने वाले हैं, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अनलिमिटेड ईमेल आईडी बोलते हैं और बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो देखिए गाइस यहाँ जो आपका नीचे दिखेगा यहाँ पर एड अनदर अकाउंट का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, आप किस तरह का ईमेल आईडी बना सकते हैं। आउटलुक हॉटमेल बना सकते हैं, याहू बना सकते हैं, गूगल के लिए बना सकते हैं। तो गूगल के लिए बनाएंगे तो आप सब कुछ के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम गूगल के लिए बनाने वाले हैं, तो सिंपली गूगल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से गाइस से प्रोसेसिंग हो रहा है हमको दूसरे पेज में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ चुका है, जहाँ पे लिखा है साइन इन का। तो यहाँ पे गाइस अभी देखिए एक और ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से गाइस आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पहला जो ऑप्शन है फॉर माई पर्सनल यूज, दूसरा जो है फॉर वर्क और माई बिजनेस। तो अभी हम पर्सनल के लिए बनाने वाले हैं। अगर बिजनेस के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है। मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद से देख सकते हैं गाइस हम दूसरे पेज में इंटर कर चुके हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए गूगल अकाउंट। उसके बाद से नीचे है इंटर योर नेम, तो जिस भी नाम से अपना ईमेल आईडी आप बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो देखिए गाइस अभी मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया है, सेकंड नेम जो है ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, जहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपका सेलेक्ट करना है और जेंडर आपका सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए अभी मैं मंथ सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ सेलेक्ट करने के बाद से गाइस दूसरा जो है उसमें डे लिखा है, तो डे पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद से थर्ड ऑप्शन है, उसमें ईयर दिया है, तो जिस भी साल में आपका बर्थ हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से गाइस यहाँ देख सकते हैं इसके नीचे जेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम मेल सेलेक्ट करने वाले हैं तो मेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से गाइस यहाँ से आपको जो सिंपली नेक्स्ट का एरो दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है हाउ यू विल साइन इन, मतलब कि किस यूजर नेम के नाम से अपना साइन इन करना चाहते हैं, अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई यूजर नेम डालना है तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाल दिया है, और यहाँ पे आप कुछ डिजिट भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसको ऐड कर दिया। और अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर ये यूजर आईडी अवेलेबल है तो गूगल आपको दे देगा, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो दूसरा वहाँ पे यूजर आईडी आपको सजेस्ट करेगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये यूजर आईडी जो था वो अवेलेबल था, गूगल ने हमें दे दिया। और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन अभी आ गया है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आप अपने ईमेल आईडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि 8 डिजिट का है
वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं अपना टाइप कर लेता हूँ। और पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है गाइस, उसके बाद से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए गाइस, यहाँ से हम दूसरे पेज में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे लिखा है ऐड योर फ़ोन नंबर टू अकाउंट। अगर आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो यहाँ से सिंपली आपको स्किप पे क्लिक कर देना। तो अभी मैं आपको ऐड करके फुल प्रोसेस के साथ में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ गाइस, और उसके बाद से सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से गाइस देख सकते हैं हमारा जो जीमेल आईडी का अकाउंट है, ईमेल आईडी बन चुका है। यहाँ पे देखिए जो भी मैंने नाम डाला था वो नेम प्लस @gmail.com आ चुका है। तो ये हमारा यूजर आईडी है। इस यूजर आईडी को आप कहीं भी किसी को दे के शेयर कर सकते हैं, बैंक में ऐड कर सकते हैं, किसी से ईमेल इस पे मंगा सकते हैं, आप भी ईमेल किसी को कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यही मेन इम्पोर्टेंट है, आपका ईमेल आईडी का यूजर आईडी यही है। उसके बाद से गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन नंबर में मेरा ऐड है, यहाँ पे रिकवरी फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको रिकवरी ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद से इस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं गाइस। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स जो गूगल का है वो आपको यहाँ पे रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए गाइस आई एग्री का ऑप्शन दिया है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए गाइस ये गूगल जो सर्विसेज हैं ऑटोमेटिक जो आपका ईमेल आईडी नया बना उससे लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है जो आपका ईमेल आईडी प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से देख सकते हैं गाइस जो सबसे नीचे वाला है सुरेश, ये वाला मैंने ईमेल आईडी अभी बनाया था, और मेरे पास यहाँ भी और भी सारा बहुत ईमेल आईडी पड़ा हुआ है। तो चलिए अभी हम सुरेश वाले पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद से देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो फ्रेश ईमेल आईडी है वो लॉगिन हो चुका है, और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, प्ले स्टोर में लॉगिन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे बना सकते हैं एक नया जीमेल अकाउंट अनलिमिटेड एक मोबाइल फ़ोन में, जीमेल अकाउंट और ईमेल अकाउंट जो कि बिल्कुल फ्री में बनता है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।